ये आपकी सर्विस टैक्स की सेकंड क्लास है। इंटेंशन समझ में आया था सर्विस टैक्स को चार्ज करने का? पक्की बात है ना? चले आगे देखते हैं कैसे सर्विस टैक्स गवर्न होता है। ये भी बताया था कि आज तक सर्विस टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ, कोई एक्ट नहीं बना। तो आखिर जब एक्ट है नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर नहीं दिया, एक पावर को छोड़कर कोई पावर नहीं दिया कि वो सर्विस टैक्स चार्ज कर सके, तो सबसे पहले जरूरत महसूस हुई कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बोलो ना। गवर्नमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर के कोई डिसीजन ले सकती है? नहीं ले सकती। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे पास क्या पावर है सर्विस टैक्स चार्ज करने का, तो पता चला कि तीन लिस्ट बनाई जाती हैं। कितनी लिस्ट? जरा देखें, पेज नंबर 2 पे है। हाँ, पेज नंबर 2 पे तीन लिस्ट बनाई जाती हैं और गवर्नमेंट के बारे में कहा गया कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया। क्या किया? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया और लिखा कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स लेवी एंड कलेक्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी टैक्स लेवी एंड कलेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि लॉ को उसकी मंजूरी न मिल गई हो। हाँ या ना? जब कोई टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इम्पोज कैसे कर दिया सर्विस टैक्स? आगे जरा देखें, दस द गवर्नमेंट में लेवी अ टैक्स ऑन द सिटीजन ओनली अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तीन लिस्ट बनाई गई। कितनी लिस्ट बनाई गई? तीन लिस्ट हैं, लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री। लिस्ट वन को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और लिस्ट टू को हम स्टेट लिस्ट कहते हैं और थर्ड लिस्ट को हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। लिस्ट वन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर होता है। किस चीज का पावर होता है? इट कंटेन्स द मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लिस्ट नंबर टू देखें, लिखा होगा इसमें वो मैटर कंटेंट हैं जिसमें लॉ बनाने का अधिकार किसके पास दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया गया है। और लिस्ट थ्री जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, इसमें लॉ दोनों की म्यूचुअल एसेंट से तैयार होता है। यानी वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके कोई लॉ बनाते हैं। पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स शेड्यूल 7 हैज इन्यूमरेटेड द मैटर्स ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। सच मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में लिखा है इट कंटेन्स द मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। क्लियर है? तो पहली चीज तो ये कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा राइट नहीं था कि वो डायरेक्ट सर्विस टैक्स अब चार्ज कर सके, लेकिन हाँ उसके पास एक रास्ता दिखा, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। जरा देखें, एंट्री नंबर 82-92C ऑफ लिस्ट 1 एन्यूमरेट द सब्जेक्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू लिवाय टैक्सेस। गवर्नमेंट लेवी कर सकती है टैक्सेस इन एंट्रीज के नंबर पे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम अगर अपने सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स लिस्ट 1 बनी हुई थी, लिस्ट 2 बनी हुई थी, लिस्ट 3 बनी हुई थी। किसके बेसिस पर गवर्नमेंट ने आखिर मेरे ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज किया? कोई तो ऐसी एंट्री होगी सर्विस टैक्स में, क्योंकि वो एंट्री हम लोग को मालूम ही नहीं अभी।
कोई तो एक ऐसी एंट्री होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसमें जा करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर अपना दिखाया, वो है नेक्स्ट पेज पर, उसी पेज पर देखें, एंट्री नंबर 92C। हाँ या ना, पक्की बात है, जरा देखें। यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेबल्स द यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्सेस ऑन सर्विसेज। इनिशियली देयर वॉज नो स्पेसिफिक एंट्री इन द यूनियन लिस्ट फॉर लेविंग सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वॉज लेविड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई ड्रॉइंग पावर फ्रॉम एंट्री नंबर 97। और एंट्री नंबर 97 के अंडरलाइन कर दें रेजिडुअरी एंट्री। एंट्री नंबर 97 को अंडरलाइन कर लें रेजिडुअरी एंट्री, बचा खुचा। जैसे तुम लोग जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखते थे इनकम टैक्स में, जो चीज़ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज में ना जा पाए वो कहाँ जाता था? क्यों भाई? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में अगर कोई चीज़ ना जा पाए इनकम, तो कहाँ ट्रांसफर होती थी? अदर सोर्सेज में ट्रांसफर होती थी। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, रेजिडुअरी एंट्री दी गई। जैसे वो रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम था, ये रेजिडुअरी एंट्री है। तो अब देखते हैं 97 में क्या लिखा है। 97, एनी अदर मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 2 का मतलब कौन सी? स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3 का मतलब कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। जो उसमें मैटर नहीं है उन टैक्स को हम सेक्शन एंट्री नंबर 97 से ला सकते हैं। तो एक रेजिडुअरी एंट्री मौजूद थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका प्रयोग किया गया, उस एंट्री का यूज करते हुए सर्विस टैक्स को इम्पोज किया गया। द रेजिडुअरी एंट्री प्रोवाइड्स वाइड पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑफ द सब्जेक्ट नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 92C में तो अब चेंजेस आए, लेकिन जब सर्विस टैक्स लगाया गया था फर्स्ट टाइम, उस समय किस एंट्री के थ्रू लगाया गया था? 97 रेजिडुअरी एंट्री। लेकिन आज की डेट में देखो तो अमेंडमेंट हुआ है किसमें, 92C एंट्री लाई गई है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। नीचे एक हेडिंग भी लिखी है मैंने, एंट्री नंबर 92C, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। कहानी सारी छोड़ो और लास्ट का पैरा देखो, नोट लिखा होगा एक मैंने लिखा है, उस नोट को पढ़ते हैं और ये देखते हैं आज की डेट में कौन सी एंट्री इफेक्टिव है। 97 तुम लोग बताओ, 97 या 92C? तुम लोग के हिसाब से 92C, लेकिन जरा अब इस पैरा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि 92C है या 97 है। ऑल्दो पार्लियामेंट हैज पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेकिंग एंट्री 92C टू यूनियन लिस्ट, दिस प्रोविजन, अब ढंग से सुनना है, 92C के लिए बोल रहा है, दिस प्रोविजन हैज नॉट येट बीन मेड इफेक्टिव बाय द पार्लियामेंट। अंडरलाइन कर लें पार्लियामेंट और स्टार लगाकर कहीं लिख दें, पार्लियामेंट के ऊपर स्टार लगाकर लिख दें, पार्लियामेंट के ऊपर स्टार लगाकर लिखेंगे, बाय पासिंग कहीं पर लिख दें अ सेपरेट एक्ट। अब ये आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ गया, पार्लियामेंट ने अभी तक कोई एक्ट नहीं पास किया, अगर एक्ट पास हो जाएगा तो 92C इफेक्टिव हो जाएगा। बोलो, उस 92C को फेवर करते हुए एक एक्ट बनेगा, यानी 92C इफेक्टिव तब होगा जब हमारे सामने वो सर्विस टैक्स एक्ट आ जाएगा। यानी अभी तक हमारे हाथ में क्या नहीं है, सर्विस टैक्स एक्ट नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी एंट्री इफेक्टिव है? 97। यानी आज भी रेजिडुअरी एंट्री से हमारे ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज किया जा रहा है। कंसेक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप सर्विस टैक्स इज प्रेजेंटली कलेक्टेड अंडर द पावर ऑफ एंट्री 97 ओनली। तो अगर हमसे पूछा जाए ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, केवल पूछा जाए कि कौन सी एंट्री है, तो तुम लोग बताओगे 92C एंड 97। इसको हम कहते हैं रेजिडुअरी एंट्री और इसको हम कहते हैं टैक्सेस ऑन सर्विसेज। बोलो, और नो एक्ट, दैट्स वाई स्टिल डिपेंड अपॉन एंट्री नंबर 97 रेजिडुअल। ठीक है, यानी आज भी हम एंट्री नंबर 97 पर डिपेंड कर रहे हैं। किस पर? क्लियर है? नोट करना हो नोट करें, आगे देखें।
चलें पेज नंबर 3 पर हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यानी दो एंट्रीज हम लोग को याद रखनी है केवल, 97 एंड 92C। 92C अभी भी इफेक्टिव नहीं है, अमेंडमेंट ला चुके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सेपरेट एक्ट का आज भी इंतजार हो रहा है। सर्विस टैक्स गवर्न किन किन चीजों से होता है? सर्विस टैक्स किन चीजों से गवर्न हो रहा है? आखिर सर्विस टैक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन चीजों से सामना होगा? देखें हेडिंग बनी हुई है सर्विस टैक्स लॉज, बनी हुई है। सबसे पहला लिखा हुआ है उसमें फाइनेंस एक्ट 94। तुम लोगों को तो मैंने लास्ट टाइम बता दिया, अभी भी कोई एक्ट नहीं बना है। जब एक्ट नहीं बना है तो हम अभी भी जिस फाइनेंस एक्ट में ये अमेंडमेंट आया था चैप्टर 5, हम उसी पर आज भी डिपेंड हैं। आज भी जो अमेंडमेंट होते हैं उसी फाइनेंस एक्ट में हो रहे हैं। तो सर्विस टैक्स किससे गवर्न हो रहा है? फाइनेंस एक्ट 1994 से। देखें ढंग से, सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 94, बट टिल डेट देयर इज नो इंडिपेंडेंट स्टैच्यू फॉर लेविंग सर्विस टैक्स। हाउएवर फॉलोइंग सोर्सेज प्रोवाइड स्टैच्यूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्विस टैक्स एंड कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। द नंबर वन थिंग इज फाइनेंस एक्ट 94, उससे गवर्न होता है सर्विस टैक्स। द स्टैच्यूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू लेवी ऑफ सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज वेयर फर्स्ट प्रोमुलगेटेड दो चैप्टर नंबर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 94। सीन्स देन चैप्टर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 94 इज वर्किंग एज एन एक्ट फॉर द सर्विस टैक्स लेवी, नॉट द सर्विस टैक्स एक्ट। सर्विस टैक्स को लेवी करने के लिए, प्रभारित करने के लिए, इम्पोज करने के लिए आज भी हम लोग फाइनेंस एक्ट 1994 पर ही डिपेंड हैं। क्लियर है? तो उस फाइनेंस एक्ट 1994 के ही प्रोविजंस को ही लेकर हम लोग सर्विस टैक्स लेवी कर रहे हैं। सर्विस टैक्स के रूल्स, रूल्स ऑन सर्विस टैक्स, जो लॉ बना हुआ है, प्रोविजन बने हुए हैं, ढंग से सुने, रूल्स क्या होते हैं? तुम लोगों ने देखा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बनते हैं, या घर से निकलते हो, तुम लोगों ने एक आइडेंटिटी पाली ह्यूमन बीइंग की, रास्ते पर निकलते हो, यू आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स, लेफ्ट साइड चलते हो, क्यों नहीं राइट साइड चलते हो? बात समझना, रूल्स बने हुए हैं, एथिक्स बने हुए हैं, बने हुए हैं ना। रेड सिग्नल देखते हो क्रॉस रोड पर तो क्या होते हो, रुक जाते हो या गाड़ी और दौड़ा देते हो? रुक जाते हो, पता नहीं। रूल्स ऑन सर्विस टैक्स, रूल्स ऑन सर्विस टैक्स, तो जो एक्ट बना हुआ है उन्हीं की प्रोसीजरल कंप्लायंस कैसे करनी है, उस पर वर्क कैसे करना है, उनके नियम कायदे कानून और तरीके क्या है, ये बताते हैं रूल्स, काम करने का तरीका, प्रोसीजरल वे। ठीक है, देखें रूल्स ऑन सर्विस टैक्स सेक्शन 94 ऑफ चैप्टर 5 एंड सेक्शन 96 आई ऑफ द चैप्टर 5A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 94 ग्रांट्स पावर टू द सीजी, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर मेकिंग रूल्स फॉर इफेक्टिंग कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। अंडरलाइन कर लें केवल इतना वर्ड जितना हम बोल रहे हैं, मेकिंग रूल्स फॉर इफेक्टिव कैरिंग, इफेक्टिव कैरिंग आउट, दैट्स इट। यानी सही तरीके से कोई काम हो, सिस्टमैटिक कोई काम हो, उसके लिए क्या बनाए गए? रूल्स। बता तो दिया गया बाएं चलो, लेकिन अगर हमें हॉस्पिटल जाना है, अगर हॉस्पिटल दाएं तरफ हो, राइट साइड हो, तो हम कैसे जाएंगे? बात समझना, ठीक है? इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पैरा देखें, रूल्स शुड बी, रूल्स शुड बी रेड विथ द स्टैच्यूटरी प्रोविजंस। तो पहले आप क्या पढ़ेंगे? प्रोविजंस पढ़ेंगे, और उनको कैसे कैरी आउट करना है, कैसे उनको इफेक्ट में लाना है, तरीका क्या है, ये हमें बताता है रूल्स। रूल्स शुड बी रीड विथ द स्टैच्यूटरी प्रोविजंस कंटेंट इन द एक्ट
एक्ट का मतलब फाइनेंस एक्ट, यहां पर रूल्स आर मेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन। रूल्स कभी भी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करते, जो आपके एक्ट में लिखा है उसी को ही कैसे फॉलो करना है वो वे बताता है, दैट्स इट। उसको कभी ओवरराइड या सुपरसीड नहीं करते कि अरे छोड़ो वो एक्ट को, छोड़ो हम अपनी बात बोलते हैं। अरे नहीं, आप जो बात बोलोगे, रूल्स जो बात बोलेंगे वो एक्ट को फॉलो करते हुए ही होंगे, उनको सुपरसीड या ओवरराइड नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन ऑन सर्विस टैक्स, यानी हमारे ऊपर रूल्स हैं, हमारे ऊपर फाइनेंस एक्ट 94 है सर्विस टैक्स के लिए। और देखो तो ये दोनों चीज़ें किसने बनाई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी। किसने बनाई थी? फाइनेंस एक्ट 94 ने को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, रूल्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन ध्यान दें, लिख सकते हैं ऊपर फाइनेंस एक्ट 94 ब्रैकेट में नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लें, रूल्स ऑन सर्विस टैक्स नीचे ब्रैकेट में लिख लें सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब जो बोलने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑन सर्विस टैक्स, ये बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी नोटिफिकेशन को भी कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नीचे लिख दें सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके नीचे हेडिंग देखें, लिखा होगा सर्कुलर्स और एक्सप्लेनेशंस और क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर्स, ऑफिस लेटर्स और क्लैरिफिकेशंस, ये तीन चीजें बनाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। नीचे ब्रैकेट में लिख दें सीबीईसी, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सर्कुलर्स, ऑफिस लेटर्स एंड क्लैरिफिकेशंस, ये कौन देता है? सीबीईसी। हाँ या ना? सर्कुलर्स, ऑफिस लेटर्स एंड क्लैरिफिकेशन, ये कौन देता है? सीबीईसी। तो पहला हम लोगों ने देखा फाइनेंस एक्ट 94 किसने पास किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। रूल्स कौन पास करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये सर्कुलर, ऑफिस लेटर्स एंड क्लैरिफिकेशन कौन देता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। नीचे आए, लिखा हुआ ऑर्डर्स ऑन सर्विस टैक्स, ये दोनों लोग मिल करके देते हैं। मिल करके मतलब अलग अलग भी दे सकते हैं, सीबीईसी और सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीईसी भी दे सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकता है। तो नीचे ब्रैकेट में लिख दें ऑर्डर्स में सीबीईसी और सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ या ना? इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में देनी है, फाइनेंस एक्ट को, रूल्स को, नोटिफिकेशंस को, सर्कुलर्स एंड एक्सप्लेनेशंस को और ट्रेड नोटिसेस एंड ऑर्डर्स को। क्लियर है? देखते हैं ये नोटिफिकेशंस क्या हैं। नोटिफिकेशन गवर्नमेंट बीच बीच में लाती है। देखो ये वो सर्विसेज हैं जिनको हम नोटिफाई कर रहे हैं कि इन पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। वी आर जस्ट गोइंग टू गिव द एग्जेम्पशन टू दीज टाइप ऑफ सर्विसेज। इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू चीजों को लाना, नोटिफाई करना। ठीक है, सेक्शन 93 एंड 94 हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ढंग से देखना, ये बाद में आएगा। फाइनेंस एक्ट 94 इम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर लें, टू इश्यू नोटिफिकेशन टू एग्जेम्प्ट, अंडरलाइन कर लेंगे नोटिफिकेशन टू एग्जेम्प्ट, यानी यहां पर केवल एग्जेम्पशंस की बात की गई है। नोटिफिकेशन टू एग्जेम्प्ट एनी सर्विसेज, एनी सर्विस फ्रॉम सर्विस टैक्स एंड टू मेक रूल्स टू इंप्लीमेंट सर्विस टैक्स प्रोविजंस। क्लियर है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशंस को इश्यू कर सके। और नोटिफिकेशंस में नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इश्यू करती है? एग्जेम्पशन। क्लियर है? आगे देखें, सर्कुलर्स क्या दिया है? सर्कुलर्स और ऑफिस लेटर्स। पहला हम लोगों ने क्या देखा था, जरा सोचो। फाइनेंस एक्ट 94 कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा सर्विस टैक्स किससे गवर्न होता है? फाइनेंस एक्ट 94 से। उसमें कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5। नॉर्मली अभी तक हम लोग इतना ही जान रहे हैं। दूसरा, रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स कौन ले आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पर्पज़ के लिए लाती है? उन्हीं प्रोविजंस को इफेक्टिव कैरिंग आउट करने के लिए, ताकि वो सिस्टमेटिक वे से काम चल सके। कोई ये ना पूछे ये कैसे वो कैसे। आप एक्ट पढ़ो, उसको कैसे फॉलो करना है वो रूल्स में दिया हुआ है, रूल्स बने हुए हैं। वो कौन इशू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे दिया है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन भी देने का पावर किसके पास है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। और नॉर्मली नोटिफिकेशन किस चीज़ पर दिया जाएगा?
what are those services which are to be exempted or which are to be notified by the central government to exempt. Clear? पक्की बात है. अब जो हम बोल रहे हैं that is your circulars or clarification or office letters. ये चीजें सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अपने डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिसर्स के ऊपर लिखती है या इंस्ट्रक्ट करते हैं. सीबीईसी मेन पावर, दो मिनट के लिए, सीबीईसी मेन पावर जो अथॉरिटी है उसने इशू किया ऑर्डर्स, उसने इशू किया, सॉरी ऑर्डर्स अभी नीचे है, वो इशू करेगी, उसने इशू किया सर्कुलर. सर्कुलर क्या होता है? दो तरह के सर्कुलर इशू हो सकते हैं, दो तरह के सर्कुलर इशू हो सकते हैं, ध्यान देना. पहला सर्कुलर, चाहे सर्कुलर हो चाहे क्लैरिफिकेशन हो चाहे ऑफिस लेटर्स हो, इन सबका पर्पस होता है हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि देख ये काम इस तरह से करना, ये एक्ट बना है, ये रूल्स बना है, ये नोटिफिकेशन है, इन पर तुम लोगों को ऐसे अमल करना है. बात समझना, ये डिपार्टमेंटल लेटर्स होते हैं, ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग नेचर के होते हैं, ये कभी भी एसएससी को हरास्ड करने वाले नहीं होते, ये कभी भी एसएससी के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, ये हमेशा बाइंड करते हैं डिपार्टमेंट्स को, ये कभी भी बाइंड नहीं करते एसएससी को. अब बात समझ में आई? अभी मैं लिखवा रहा हूं, चिंता ना करना इस चीज को. क्लियर है? जरा देखें, द सीबीईसी इश्यूज डिपार्टमेंटल सर्कुलर. देखो डिपार्टमेंटल नॉट पब्लिक, डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शन लेटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब भी जरूरत महसूस होगी सीबीईसी ऑफिस लेटर देगी, टू एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड द स्कीम ऑफ सर्विस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. मान लो कि पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ एसएससी है, क्या है, ग्रुप ऑफ एसएससी है जिसका रिटर्न नहीं दाखिल हो रहा है, हुआ है, और सीबीसी चाहती है कि उस ग्रुप को कुछ छूट दे करके और समय बढ़ा करके उनसे क्या कर लें, रिटर्न्स निकलवा लें, तो ऑफिशियल लेटर्स देगी या सर्कुलर इशू करेगी कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एसएससी, किसी एक एसएससी के ऊपर नहीं बोलेगी कि इस एसएससी का जो असेसमेंट है इस तरह से निपटाओ, ना 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 ना, ना. कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एसएससी के बारे में सीबीसी सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं, सर्कुलर या ऑफिस लेटर नहीं इशू कर सकती. सीबीसी जब भी सर्कुलर या ऑफिस लेटर इशू करेगी पूरे ग्रुप के बारे में बात करेगी, किसी पर्टिकुलर एक एसएससी के केस को कैसे निपटाना है इस तरह से बात नहीं करेगी. ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और स्मूथ वे में चलाने के लिए ऑफिस लेटर्स या सर्कुलर्स इशू करती हैं और अपने डिपार्टमेंट्स को बताते हैं कि इस स्कीम को ऐसे लागू करना है, यानी एक स्कीम लाई गई इसको कैसे लागू करना है, क्या तरीका है, वो आप लोग ऐसे करो, किसके क्या राइट्स होंगे वो बताएगा सीबीसी. ठीक है? पक्की बात है? जरा देखें, दीज सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शन हैव टू बी रेड विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड नोटिफिकेशन ऑन सर्विस टैक्स. ठीक है? द सर्कुलर्स क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड दस ब्रिंग आउट द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. गवर्नमेंट ने कह दिया कि इन सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगेगा. अब नहीं लगेगा, कब से नहीं लगेगा, किन किन पर लगेगा, इसके अलावा क्या उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है, डिपार्टमेंटल इशू करते हैं नोटिस या लेटर्स या सर्कुलर, वो करता है सीबीईसी अपने डिपार्टमेंट्स को कि पर्टिकुलर स्कीम को कैसे अप्लाई किया जाए. क्लियर है? पक्की बात है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ना लेटर भेजेगी सबको, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ना भेजेगी, कौन भेजेगा, सीबीईसी जिसके पास वो पावर दिया गया है. द सर्क्यूलर क्लैरिफाइज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड दस ब्रिंग आउट द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. हावर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी एल्टर्ड और कॉन्ट्रैक्टेड और चेंज बाय द डिपार्टमेंटल सर्क्यूलर. जो प्रोविजन बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, उसी को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है ये तरीका बताता है सीबीईसी अपने डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करता है. जैसे तुम लोग कोई सीडी ले आते हो, कंप्यूटर में डालते हो, तो अपने आप इंस्ट्रक्शन आते हैं हाउ टू यूज़ सीडी और डीवीडी, लिखा रहता है ना. अब पता चले कुछ ना लिखा हो, सीडी डालो, अब जाना कहाँ है ये नहीं मालूम, आ तो गया, एक्ट बन गया, रूल बन गया,
बस, बट कैसे जाना है, इसके बाद कौन सी फाइल खोलनी है, इसके बाद कौन सी फाइल खोलनी है, उसका इंस्ट्रक्शंस का लिखा रहता है रीड मी, एक फाइल बनी रहती है, तो पहले उसको रीड करो अगर कोई डाउट है, उसके बाद आगे जाओ। वही रीड मी वाला चक्कर है यहाँ पर। एक्ट बन गया, प्रोविजन बन गया, रूल्स बन गया, सब बन गया, अब उसको फॉलो कैसे करना है वो डिपार्टमेंटल लेटर्स के थ्रू अगर कहीं कोई इशू आता है तो। उसको स्मूथ वे में काम चलाने के लिए सीबीसी इशू करती है क्या क्या, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशन एंड ऑफिस लेटर्स। पक्की बात, नीचे लिख लें, उसके स्टार लगा लें, जहां पर लिखा हुआ है सर्कुलर्स और ऑफिस लेटर हेडिंग बनी वहां स्टार लगाकर नीचे कहीं स्पेस होगा वहां पर लिखेंगे आप लोग। एज रिगार्ड The applicability of circulars, the circulars issued by CBEC are binding on the department, but these circulars do not bind SSC। मान लो कभी सीबीएसई ने गलती से भी ऐसा सर्कुलर इश्यू कर दिया, सुनो मैंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं ला सकते जो एसएससी को बाइंड करे। सीबीएसई के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, वो एसएससी पर कैसे जा सकता है, उसके पास राइट है केवल अपने डिपार्टमेंट को संभालने का, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का, हाँ या ना। अगर उसने कभी कोई ऐसा सर्कुलर ला दिया जिससे किसी एसएससी को हरासमेंट होता है या एसएससी को बाइंड करता है, तो एसएससी उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है और ऐसे केस में एसएससी की ही जीत होगी और ऐसे सर्कुलर को क्या कर दिया जाएगा, वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर है? चले आगे, हटा दे, नेक्स्ट देखें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई, सर्विस टैक्स के लिए कोई एक्ट बना है ना, फाइनेंस एक्ट 94 से हम गवर्न करते हैं आज तक, उसमें चैप्टर 5 बना हुआ है। दूसरा हमने देखा कौन कौन से सेक्शन से, अभी मैंने वो भी नहीं बताया किस सेक्शन से किस से, अभी तो हम लोग वहाँ पहुँचे ही नहीं, अभी तो हम लोग केवल कहानियाँ पढ़ रहे हैं। दूसरा मैंने देखा कि सर्विस टैक्स एक्ट नहीं बना, फाइनेंस एक्ट 94 से हम लोग गवर्न कर रहे हैं, उसके लिए रूल्स, ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई हैं। सर्विस टैक्स रूल्स के बाद नोटिफिकेशन देने का भी राइट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, किन किन सर्विसेज को नोटिफाई करके एग्जेम्प्ट करना है। तीसरा, सीबीएसई के पास क्या क्या पावर्स हैं, सीबीएसई के पास पावर्स क्या क्या हैं। पहला, सर्कुलर देना डिपार्टमेंटल, ऑफिस लेटर्स देना डिपार्टमेंटल, और क्लैरिफिकेशन देना डिपार्टमेंटल। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर्स ऑन सर्विस टैक्स। ये ऑर्डर्स क्या हैं, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऑर्डर्स कौन दे सकता है, सीबीएसई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इश्यू कर सकते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स ऑन सर्विस टैक्स में भी इश्यूड बाय द सीबीएसई और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ या ना। रूल 3 ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स 94 इम्पावर्स द सीबीएसई। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पर कि कहां पर ऐसा पावर है। Empowers the CBEC to appoint such central excise officer. देखो CBEC के पास एक पावर है कि वो central excise officer की अपॉइंट कर सकते हैं, as it thinks fit for exercising the powers under chapter 5 of the finance act. देखो पहले तो वो चीज क्लैरिफाई करो, central excise officer की क्यों अपॉइंटमेंट होगी भाई, service tax officer की अपॉइंटमेंट होगी ना। हम किसको स्मूथ वे में, चैप्टर 5 में क्या बोला गया है, सर्विस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन बताए गए हैं। तो चैप्टर 5 में रूल 3 जो बना हुआ है, रूल 3 ऑफ द सर्विस टैक्स रूल 94, सर्विस टैक्स रूल्स 94 में रूल 3 जो है वो सीबीएसई को एम्पावर करता है क्या बनाने के लिए,
सर्विस टैक्स ऑफिसर या सेंट्रल एक्साइज? सही है या गलत? सही है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, क्योंकि अभी तक कोई एक्ट जब बना ही नहीं तो ऑफिसर कैसा, बात समझना है कि नहीं। मैं भी एक देश का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा देश जो बनेगा तो कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है ना। तो जब देश है ही नहीं तो प्रधानमंत्री कैसा। देखो आगे, तो अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स हैव बीन इश्यूड बाय द सीबीईसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। व्हाट आर द ऑर्डर्स, क्या होते हैं ऑर्डर्स में, अब तुम लोग के मतलब की चीज है। ऑर्डर्स में देता क्या है, टू डिफाइन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्विस टैक्स, टू डिफाइन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑफिसर्स। ज्यूरिसडिक्शन उनके कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। एक पुलिस वाला रास्ते से जा रहा है, उसके सामने मारपीट हो रही है, हाथ नहीं लगा रहा, देख रहा है, जैसे पब्लिक देख रही है, उसको कहो तो हम भी तो पब्लिक है, मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है, बात समझना, हम क्यों हाथ लगाएं। ये सिस्टम है, वही चीज यहां पर भी है। ज्यूरिसडिक्शन, उनके ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई चीज है या कौन कौन से एरियाज आएंगे उनके कार्य क्षेत्र में, उनके पावर्स क्या रहेंगे, ये ऑर्डर्स में लिखते हैं, एरिया भी और काम करने के पावर्स भी, ठीक है, पक्की बात है। तो ये ऑर्डर्स कौन दे सकता है, सीबीईसी भी दे सकती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ट्रेड नोटिसेस ढंग से देखना, ट्रेड का मतलब ही तुम लोग को अपने आप समझ में आना चाहिए। ट्रेड का मतलब व्यापार संबंधी, जो डायरेक्ट ताल्लुक रखता है एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच, बात समझना, जो डायरेक्ट गवर्न करता है एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, टैक्स लेना, टैक्स देना, रिटर्न भरना, ये सब क्या है, ट्रेड ही तो है एक तरह से। ट्रेड नोटिसेस ऑन सर्विस टैक्स, ट्रेड नोटिसेस आर इश्यूड बाय द सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स कमिश्नरेट्स, कमीशन नहीं है, कमिश्नरेट्स है। दीज कमिश्नरेट्स रिसीव वेरियस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्रोविजंस ऑफ सर्विस टैक्स लॉज, द सेम आर सर्क्यूलेटेड अमंगस्ट द फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर जो मार्केट में दौड़ रहे हैं, ऐसे ऑफिसर जो मार्केट में डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं किनसे, एसएससी से, फील्ड ऑफिसर, इसीलिए तो ट्रेड नोटिसेज हैं, इसीलिए वो क्या है, द सेम आर सर्क्यूलेटेड अमंग द फील्ड ऑफिसर एंड द इंस्ट्रक्शंस विच पर्टेन्स टू द ट्रेड आर कम्युनिकेटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड नोटिसेज। यानी फील्ड ऑफिसर को बताना, भैया ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। और ये एक चीज याद रखना, जब फील्ड ऑफिसर डायरेक्ट ताल्लुक रखेगा किनसे, एसएससी से, तो एसएससी को भी एक पावर दे दिया गया है कि जब भी आप चाहें इन ट्रेड नोटिसेस की कॉपीज आप ले सकते हैं। अब समझ में आई बात, हाँ या ना, नीचे वही लिखा है, इंडिविजुअल एसएससी में आल्सो अप्लाई फॉर कॉपीज ऑफ ट्रेड नोटिसेस। अब एसएससी ये नहीं कहेगा हमको सर्कुलर की कॉपी दो, अरे वो तो डिपार्टमेंटल सर्कुलर है, वो डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को उसके काम को बताता है, हाँ या ना। चलो, एंड सर्कुलर लेटर ऑर्डर्स डिफाइन देयर ज्यूरिसडिक्शन, आइडेंटिफाई द बैंक्स इन विच सर्विस टैक्स कैन बी डिपॉजिटेड, गिव क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सर्विस टैक्स मैटर्स ऑल्सो। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी हम लोग ट्रेड नोटिसेज में उन चीजों की कॉपीज भी ले सकते हैं जो हमसे डायरेक्ट ताल्लुक रखती। सर्कुलर देखो तो सीधे नेट पर आ जाता है, अब तो भले ही डिपार्टमेंटल होता है, वो डिपार्टमेंट के अंदर की चीज है, हम उसकी कॉपी ले सकते हैं, नोटिफिकेशन हमको मिल सकता है, बुक खरीद लो मार्केट से, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, हर चीज़ मिल जाएगी आपको, लेकिन वो डिपार्टमेंटल्स ऑर्डर होते हैं। लेकिन ट्रेड नोटिस आपसे डायरेक्ट फील्ड ऑफिसर और आपके बीच के कम्युनिकेशन की बात है, तो आप चाहें तो उनकी डायरेक्ट कॉपीज भी ले सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, जरा ढंग से देखें। पहला, सर्विस टैक्स लॉज में क्या क्या आएगा, फाइनेंस एक्ट 94, रूल्स, नोटिफिकेशन, ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ अभी बनाया नहीं, तो जाहिर सी बात है सेक्शन एंट्री नंबर कौन सा 97 अभी भी
चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, 92C, भले ही अमेंडमेंट हो गया लेकिन एक्ट न बनने की वजह से वो किनारे है, रेजिड्यूरी एंट्री अभी भी चल रही है। चलो आगे की बात करते हैं, ये तीन हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोगों ने बात की सर्कुलर, ऑफिस लेटर्स एंड क्लैरिफिकेशंस की, ये सीबीएसई के पास पावर है। उसके बाद हम लोगों ने बात की ऑर्डर्स की, ये कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और सीबीएसई भी, ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने बात की ट्रेड नोटिसेस, क्लियर। वापस आते हैं पेज नंबर 2 पर, ये पूरा सर्विस टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है। ये सर्विस टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है देखें तो ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं सर्विस टैक्स के पीछे, अब आप लोगों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। रीजन लिखा हुआ है ऊपर कि सेंट्रल एक्साइज को हम लोगों ने सीबीएसई को ये पावर दे दिया है कि वो सर्विस टैक्स से रिलेटेड कानून को फॉलो करे, क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई अभी एक्ट नहीं बना है तो कोई सर्विस टैक्स ऑफिसर्स नहीं आए। एज वी डोंट हैव द सेपरेट सर्विस टैक्स एक्ट, द सर्विस टैक्स वॉज इम्पोज्ड इनिशियली ओनली ऑन 3 सर्विसेज, हेंस इट वॉज गिवेन टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट टू एडमिनिस्टर द वर्क। आया ना, क्योंकि इनिशियल स्टेज में किसी को नहीं मालूम था ये आगे चल करके कितना बड़ा स्कोप बन जाएगा, तो शुरू में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर काम किया था और मैंने ये हेडेक किसको दे दी थी, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट को। बट लेटर ऑल्सो द सेम प्रैक्टिस वॉज गोइंग ऑन एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन, हैंस द सर्विस टैक्स इन आर कंट्री इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस टैक्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। सबसे ऊपर कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सबसे ऊपर कौन, वित्त मंत्रालय, सबसे ऊपर कौन, चिदंबरम साहब आज की डेट में, क्यों, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे ऊपर, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे ऊपर, उसके बाद उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तुम लोग देखते होगे एक क्लास है कॉलेज में, इस तरह की 10 क्लास और है, उनको मैनेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, फिर उस क्लास का क्लास टीचर बनता है, हाँ या ना, वो मॉनिटर से सवाल जवाब करता है और क्लास टीचर जाता है डिटेल देता है मैनेजर को, मैनेजर देता है वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल देता है प्रिंसिपल को, पक्की बात है, और प्रिंसिपल देती है अपने ट्रस्ट को, पक्की बात। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, हम ट्रस्ट से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से मैनेजर, मैनेजर से क्लास टीचर और क्लास टीचर से मॉनिटर की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो रिपोर्टिंग किससे लेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स भी देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कुछ और भी देख रहा है, जहां जहां से पैसा आ सकता है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किससे रिपोर्ट लेगा, सीबीएसई से, क्योंकि उसके अंडर में तो इनकम टैक्स वाले भी हैं, उसके अंडर में सेंट्रल एक्साइज वाले भी हैं, उसके अंडर में कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी है, तो वो सीबीएसई से रिपोर्ट लेगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किससे रिपोर्ट लेगा, सीबीएसई से। सबसे ऊपर कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो किससे रिपोर्ट ले रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किससे रिपोर्टिंग ले रहा है, सीबीएसई से। और सीबीएसई किससे लेगा, ढंग से देखें, सेंट्रल एक्साइज जोन्स हेडेड बाई चीफ कमिश्नर, यानी चीफ कमिश्नर से रिपोर्टिंग लेगा, पक्की बात है। अच्छा, चीफ कमिश्नर के नीचे जरा देखो, सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट्स हेडेड बाई कमिश्नर्स, वो कमिश्नर्स से डिटेल लेगा, यानी कमिश्नर चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा, चीफ कमिश्नर सीबीएसई को करेगा, सीबीएसई। अब देखो कैसे, इतने सारे कमिश्नर, क्यों, पक्की बात, ढेर सारे कमिश्नर, कमिश्नर बहुत ढेर सारे होंगे, उनके अंडर में देखो तो ये कम हो गए क्या, चीफ कमिश्नर कम होते चले गए, इन लोगों ने 10 लोगों से लिया, इसने 10 लोगों से, जिन जो जो इनके अंडर में थे जोन में, इन लोगों ने कम हो करके किसको रिपोर्टिंग की, सीबीएसई तो एक ही है, हाँ यानी ये 2-4 तो है नहीं। अब सीबीएसई ने किसको रिपोर्टिंग की, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने किसको रिपोर्टिंग की, अब बात समझ में आई।
फिर से देखते हैं, सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, के बाद सीबीएसई, के बाद चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के बाद कमिश्नर्स। ढंग से सुने लास्ट की दो लाइनें जो उसके नीचे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 में इन तीन लोगों को, नीचे तीन लोगों को जो रिपोर्टिंग देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को डायरेक्ट, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इन तीन चीजों को, सेंटर, सीबीएसई, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस टैक्स का अपॉइंटमेंट किया गया था, डीजीएसटी का, टू कोऑर्डिनेट द वर्क बिटवीन द सीबीएसई, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। द डीजीएसटी वॉज अपॉइंटेड इन 1997, क्लियर है? यानी पर्टिकुलर पूरे एक डिपार्टमेंट, सीबीएसई के पूरे डिपार्टमेंट को देखने के लिए कौन आया? डीजीएसटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस टैक्स। तो हमें नहीं लगता पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 में अभी तक कोई दिक्कत होगी, क्लियर है? रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या रोल है? आखिर एक्साइज डिपार्टमेंट तो समझ में आता है, ये सर्विस टैक्स में सीए का क्या रोल आ जाता है? सबसे बड़ी बात ढंग से सुनना, क्योंकि तुम लोग को डायरेक्ट हिट करेगा ना। जैसे जैसे तुम लोग क्या चाहते हो, एग्जाम में पेपर सिंपल आए या टफ आए, क्या चाहते हो बोलो? सिंपल आए। पैसा ज्यादा कमाना चाहते हो लाइफ में या कम? सिंपल पेपर दे करके पैसे ज्यादा कैसे कमा लोगे? भगवान से मनाओ, मैंने तो कुछ नहीं बोला, टफ से टफ आए, भगवान से मनाओ। सुन तो लो पहले यहां से दिए कि प्रोविजंस इतने टफ हों कि बिना सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए के कुछ हो ना पाए। क्योंकि जब एक सिंपल फॉर्म में सब हो जाएगा तो बंदा खुद ही घर पे, अच्छा ऐसा है फॉर्म, यही फॉर्म भरना है, भर लो बेटा, तुम ही भर लो, पांचवी क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा, भरवा लेगा। बात समझना, पापा क्या नाम है आपका, मम्मी का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, बस इतना डिटेल अगर लिखना हो तो कौन नहीं भर लेगा? किताब इतनी मोटी बढ़िया या इतनी मोटी बढ़िया, हम लोग के कमाने के लिए इतनी मोटी बढ़िया, इतना बढ़िया ड्रॉअर में सजा दो कोई आए। एक पन्ना भरना 5,000 लेंगे, अच्छा अच्छा ले लीजिए सर, उतनी मोटी कौन पढ़ेगा? वो कहेगा सर कुछ करना तो नहीं रहता, किताब उठा कर दे दो, लो पढ़ो और जमा करो। मेरी बात समझना, तो सीए से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इन सारी चीजों से अपडेट रहता है। क्या रहता है? कि जितने भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, एक्सप्लेनेशन, क्लेरिफिकेशन, ट्रेड नोटिसेस, ऑर्डर्स, जितने भी आ रहे हैं, जो सर्विस टैक्स प्रोविजंस में चेंजेस आ रहे हैं, रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनको अपडेट रखे, सारी इंफॉर्मेशन को, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखे। मेरी बात समझना, इन सारी चीजों को क्या रखे? अपने दिमाग में रखे, जिससे वो क्लाइंट को सही सलाह दे सके, कंसल्टेंसी दे सके, टैक्स प्लानिंग करवा सके कि टैक्स इवेजन करवा सके, पता ना चले तो चलो, टैक्स प्लानिंग बढ़िया करवा सके, क्लाइंट के फेवर में काम हो, हाँ या ना? ये सारी चीजों की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? एक सीए के ऊपर। जरा देखें, द फर्स्ट वन सर्विस इज एडवाइजरी सर्विस। मेरे पास कोई क्लाइंट आया, सीए साहब ये बताइए मेरे ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं? क्यों नहीं लगेगा, क्या दिक्कत है? मैंने कहा अब तो कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है बेटा,
सब पर सर्विस टैक्स लगेगा। अब मैंने ये नहीं जाकर देखा साइड में कि एक निगेटिव लिस्ट भी है, उसको भी पढ़ लें, पता नहीं उसकी जो सर्विस है उस निगेटिव लिस्ट में आती हो। वो बेचारा रोता हुआ आया था, मैंने रोते हुए भगा दिया फीस ले करके, और जब उसने टैक्स जमा कर दिया बाद में पता चला कि अरे हमको तो सर्विस टैक्स जमा ही नहीं करना था, है किस सीए के पास पहुंच गए थे। बात समझना, तो हम लोगों को तो बिल्कुल अपडेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे पास एक सीए साहब की फ़ोन आई, मैटर शेयर कर रहा हूँ, बाहर का सीए, तो मेरे एक रिश्तेदार के ज़मीन का केस था ट्रांसफ़र करने का, तो ट्रांसफ़र करने के लिए टैक्स प्लानिंग बनानी पड़ती है। अब चाहे तुम लोग टैक्स इवेजन समझ लो, टैक्स प्लानिंग, हम टैक्स प्लानिंग का नाम देते हैं कि कैसे टैक्स बचाया जा सकता है लॉ को फॉलो करते हुए। तो मेरे रिलेटिव ने हमसे पूछा कि बेटा दिलीप ये बताओ कि कैसे ये प्लानिंग होगी, नहीं तो टैक्स तो इतना लग जाएगा। मैंने उनको सलाह दी, उनके सीए ने उन्होंने हमें नहीं बताया। अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे सीए ने कहा ये सिस्टम यूज़ करो तो टैक्स बच जाएगा, बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से। जैसे मैंने कहा ना अभी कि ये सब कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट में आ गया, चले जाओ। मैंने कहा नहीं सर, आप जाएं इन इन रूल्स को देखें, इन इन प्रोविजंस को देखें, आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है। आपके सीए साहब ने शायद वो मीनिंग नहीं पढ़ी, रिलेटिव थे मुझे उनको नहीं था, नहीं तो मैं किसी सीए के बारे में बोलूँ। वो गए अगले दिन, उनसे बात कराई उन्होंने, मैंने उनको क्लैरिफाई किया, तो उन्होंने वो मीनिंग देखी, उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वो पॉइंट वो स्किप कर रहे थे, मतलब अगर मैटर चला जाता इनकम टैक्स में तो उनके ऊपर एक हैवी टैक्स चार्ज लगता, बर्डन आ जाता। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी अगर कोई काम करें तो हम लोग क्या करें, कंसल्टेंसी ऐसी दें कि सामने वाले का पैसा बचे। अब मेरे रिश्तेदार का सीना फूल कर चौड़ा हो गया, अब अगली बार कोई मैटर फंसेगा, बेटा दिलीप अपने सीए से बाद में पूछेंगे, पहले हमसे पूछेंगे, नहीं समझे? तो ये होता है कंसल्टेंसी। आप जितनी अच्छी कंसल्टेंसी दे सकते हो मार्केट में, उतना आपका मार्केट में नाम होगा, ठीक है ना? तो ये मार्केट में बूस्ट करने का तरीका भी होता है कि आप अपने क्लाइंट को अच्छी कंसल्टेंसी दो, वो 10 लोगों को बताएगा, आपका एक अच्छा रेपुटेशन बनेगा। एडवाइजरी सर्विसेज विद द कंप्रेहेंसिव कवरेज ऑफ सर्विस टैक्स, अ ग्रेट डील ऑफ प्रोफेशनल एक्यूमेन वुड बी रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द लॉ एंड एडवाइज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्स। वही तो बताया किन किन चीज़ों पर सर्विस टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों पर लग गया। अभी भी हमारे पास दो चीज़ें हैं जिन पर सर्विस टैक्स नहीं लगता, मालूम है तुम लोगों को? एक है निगेटिव लिस्ट और एक है निगेटिव लिस्ट, जिसको मैंने अब तक बार बार बोला है, और दूसरी है, एक है निगेटिव लिस्ट और दूसरा है मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ये तुम लोग को केवल रेफरेंस के तौर पर मैं दूंगा, तुम लोग के कोर्स में नहीं है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर सीए फाइनल कोर्स। मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 2.5 पन्ने का है, 3 पन्ने का, वो हम दे देंगे डिटेल, एक बार रेफर कर लेना क्या है वो। तो मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, आप ये चीज़ें नोट कर लें। इम्पॉर्टेंट नोट, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2012, अभी की बात बता रहे हैं, बेसिस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम सेलेक्टिव approach to what? Comprehensive approach, बोलो ना। And ये एंड है, hence all the services will be taxable, all the services will be taxable unless they are covered by any of entries in the number 1 negative list, number 2 mega
एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन और एनी अदर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। तो दो चीजों पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, सब पर लगेगा। किन किन पर नहीं लगेगा? एक नेगेटिव लिस्ट पर नहीं लगेगा और एक मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन पर नहीं लगेगा। तो हम लोग के कोर्स में जो आईपीसीसी में है, दैट इज योर ओनली नेगेटिव लिस्ट। जो हम लोग के सीएस एग्जीक्यूटिव में है, दैट इज ओनली नेगेटिव लिस्ट। ये चीजें नहीं है। मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आपके फाइनल लेवल में आएंगे। क्लियर? समझ में आई बात? नहीं? तो अभी तक तो हम लोगों ने केवल पहला पॉइंट देखा, एडवाइजरी सर्विसेज। देखो तो कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या किसी प्रोफेशनल के लिए। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो क्या उम्मीद करके जाऊँगा? अपनी बीमारी लेकर जाऊँगा, क्या उम्मीद करके जाऊँगा? दो डॉक्टर थे, एक बाप एक बेटा। एक दिन क्या हुआ कि जो पिताजी थे वो कुछ दिन घूमने के लिए गए, आउटिंग करके आते हैं। बेटे को कहा, देख क्लिनिक संभालना। बेटे ने कहा, ठीक है पापा, आप चिंता क्यों करते हो। पिताजी गए, पीछे एक बूढ़ी औरत आई, उसने अपना दुखड़ा सुना रहा है कि हम कई सालों से बीमार हैं, आपके पिताजी की दवा चल रही है और मैं ठीक नहीं हो पा रही। तो बेटे ने कहा, बस हमें तो पता चल गया आपको प्रॉब्लम क्या है, दवा दे दी और बुढ़िया चली गई। पिताजी आए, हिसाब किताब देखे, देखे कि अरे इसका क्या किया तूने? तो कहा, पिताजी दवा दे दी, अच्छी दवा दे दी, आप ना डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे प्रॉब्लम, मैंने दो मिनट के अंदर डायग्नोस कर ली। कहा, बेटा तूने तो मेरी सारी कमाई पानी में डाल दी, इतने सालों से मैं उससे कमा रहा था, कुछ समय और कमाता आगे की तूने तो मेरी चौपट कर दी कमाई। तो वही हाल यहाँ पर भी है। एडवाइजरी सर्विसेज, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, क्या उम्मीद करते हो? अच्छी सर्विस देगा, ठीक है ना, डायग्नोस अच्छा करेगा। यहाँ पर भी वही हाल है। दूसरा, प्रोसीजरल कंप्लायंस। द सर्विस टैक्स लॉ एनवेसेजेस रजिस्ट्रेशन। क्लाइंट आता है मेरे पास, कहता है, सीए साहब हमको आपने तो बोल दिया कि सर्विस टैक्स जमा करना है, सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन डिपार्टमेंट में मैं जानता ही नहीं किसी को, मैं कैसे कराऊंगा रजिस्ट्रेशन? और किसी बंदे से कह दो कल जाना वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे? आरटीओ में अपनी गाड़ी का। अरे गाड़ी चलाते हो, रजिस्ट्रेशन कराने में हालत ख़राब हो जाती है, घूस मांगेगा, कितना मांगेगा, कैसे उसको डील करेंगे, नहीं मालूम। बात समझना, सीए का डेली का काम है घूस देना नहीं, सीए का डेली का काम है उस प्रोसीजरल कंप्लायंस को देखना। तो क्लाइंट कहता है, सीए साहब आप खुद ही चले जाओ, रजिस्ट्रेशन करवा दो, जितनी आपकी फीस बनेगी मैं दे दूंगा। पेमेंट करना है सर्विस टैक्स का, पेमेंट कर सकते हैं। क्लाइंट को हम कहेंगे, तू आराम से घर पे बैठ, तेरा रजिस्ट्रेशन भी मैं देखूंगा, पेमेंट भी मैं देखूंगा, रिटर्न भरना है, 10 पन्ने का रिटर्न है सर जी, समझ में नहीं आ रहा, मैं हूं ना, कोई गलती नहीं होगी हमसे, हम भरेंगे आपका रिटर्न, क्यों चिंता कर रहे हो, और असेसमेंट होगा तो वो भी हम निपट लेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट जा करके। द चार्टर्ड अकाउंटेंट विद हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज वुड बी द बेस्ट पर्सन टू असिस्ट द एसएससी इन ऑल द अबव फंक्शंस एंड इंश्योर्स कंप्लायंसेस। क्लियर है? तो पहला था एडवाइजरी सर्विसेस, दूसरा प्रोसीजरल कंप्लायंस, और तीसरा आता है पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। मान लो एसएससी को बुलाया गया, आप सर्विस टैक्स, आप एक्साइज डिपार्टमेंट में आए,
आपको बुलाया जाता है, आपकी सुनवाई है, हियरिंग है, डेट है आज आपकी, तो एसएससी के हाथ पैर फूल गए, कमिश्नर के साथ सामना करना पड़ेगा। वो गया तुरंत सीए साहब, आप चले जाए ना मेरी वजह, पैसा दे दो हम चले जाते हैं, फीस लेगा सीए और चला जाएगा पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। एज पर द सर्विस टैक्स लॉ रीड विद द सेंट्रल एक्साइज एक्ट एंड रूल्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अलाउड टू अपीयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अलाउड टू अपीयर बिफोर द असेसमेंट अथॉरिटी, कमिश्नरेट अपील एंड द ट्रिब्यूनल अपील। हेयर टू विद हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड बी वेल पोजिशन टू रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट। अब सारी इंफॉर्मेशन जब सीए के पास है, क्लाइंट जानते हो किसी और से ज्यादा नहीं डरता, सबसे ज्यादा डरता है तो अपने सीए से, क्योंकि क्लाइंट की वाइफ को या क्लाइंट के बच्चों को भी ये नहीं मालूम होता कि पापा का पैसा कहाँ कहाँ कितना रखा हुआ है, वो सीए को मालूम होता है कि किस तिजोरी में कितना पैसा कहाँ है, तो इसीलिए बेचारे सब सीए से खूब डरते। डरना नहीं चाहिए। When the matters goes up to the High Court or Supreme Court, the Chartered Accountant can assist the lawyers. जब matter tribunal से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर High Court के वकील और Supreme Court के वकील ही लड़ सकते हैं। ये नहीं CA साहब काला कोट पहन के चले जाएं, हम तो CA हम तो लड़ लेंगे। नहीं भैया, आप नहीं लड़ सकते, आप एक lawyer को assist कर दें कि ये client का ये केस था, ऐसे ऐसे चला आया, बात खत्म। वहाँ पर ज़रूरत किसकी पड़ेगी? लॉयर्स की। सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट्स। अब देखो टफ से टफ होता जा रहा है सिचुएशन, डेली नए नए प्रोविजन आ रहे हैं, लोग इतने हॉच पॉच हो चुके हैं, एक तो डेली अपडेशन नहीं रख पाते, सोचते हैं क्यों जाए सीए के यहाँ, 5,000 रुपये किस चीज़ का पेमेंट करें, अरे तो इतनी मोटी किताब पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो जब दो पन्ना पढ़ेंगे नहीं, नहीं 10,000 भी मांगेगा ना तो देख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो कम मांग रहा था। तो सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, तो सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। आज देखो तो उसका स्कोप बढ़ रहा है, सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो गई। सोचो ना, पहले तो 116 सर्विसेज थी तो नंबर ऑफ क्लाइंटेज कुछ कम थी, आज सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो गई। हर आदमी दौड़ा दौड़ा फिर रहा है कि सर हमारी सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा क्या, तो हम उनसे कहते हैं पहले फीस रख, फिर हम बताएंगे कि तेरे ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं। कंसल्टेंसी चार्जेस, आप एक्सपर्टाइज बनिए उसमें, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट करिए। अगर क्लाइंट है तो आप सर्टिफिकेशंस बनाएंगे, ऑडिटिंग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे उसका, हाँ या ना, स्कोप बढ़ेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनरस टास्क टू कीप पेस, ऑनरस टास्क टू कीप पेस का मतलब होता है अपने आप को अपडेट रखना। जो डेली डेली इंफॉर्मेशन आ रही है, डेली डेली नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स या प्रोविजंस में चेंजेस आ रहे हैं, जो ऑफिस लेटर्स हैं उनके बारे में अपने आप को क्या करना, अपडेट रखना, ये एक सीए का काम होता है। क्लियर है? तो एक सीए का क्या क्या काम होता है, एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिटिंग, एंड द लास्ट वन ओनर्स टू कीप टास्क। कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई भी दिक्कत हो इसमें तो अभी भी बता दें। अब तक हम लोगों ने केवल बेसिक देखा सर्विस टैक्स का, आगे से हम लोग सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। हम लोग पहले तो ये जानेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कि सर्विसेज होती क्या हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस, कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई होते हैं, चैप्टर क्या है, कौन से सेक्शंस हैं, और सर्विसेज क्या हैं, सर्विसेज की मीनिंग क्या है, सर्विसेज की मीनिंग क्या है, कौन कौन सी मॉनिटरी वैल्यू, नॉन मॉनिटरी वैल्यू, कौन कौन सी शामिल करेंगे, किस वैल्यू पर शामिल करेंगे, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी 5 पेजेस हैं आपके आपके सारे के सारे तैयार होंगे। जरा हमें बताएं ऑफिस लेटर्स कौन इशू करता है, ऑर्डर्स कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीबीएसई बोथ, दोनों अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस टैक्स लॉज में क्या क्या आता है, फाइनेंस एक्ट, दूसरा हाँ बोलो क्या क्या आएगा सर्विस टैक्स लॉज में, हो गया कल्याण, हाँ बोलो बाबू,
और कौन बताएगा? हाँ बोलो। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमने तो आज कुछ ज्यादा पढ़ाया ही नहीं। बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, कहते हैं हम तो डायरेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप डायरेक्ट चैप्टर पढ़ के फिर आप मेन चीज़ तो भूल ही गए, आगे की चीज़ आप कैसे समझोगे? तो ये बेसिकली दो क्लासेज इसलिए दी गई थी, आप बेस को समझो कि सर्विस टैक्स है क्या। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने मुद्दे की चीज़ पर आएंगे। ये ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। थैंक यू बच्चों। Thank you.